नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन परंपरा पर। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बताएंगे आपको कि ये श्वेत क्रांति क्या है। दोस्तों व्हाट इज दैट वाइट रेवोल्यूशन। दोस्तों देश की स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ही वो दो क्रांतियां थी जिनके कारण भारत की आर्थिक स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। देश में श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुई थी। इससे डेयरी इंडस्ट्रीज में काफ़ी बदलाव आए और गरीब किसानों को भी रोजगार मिला। इस कार्यक्रम के कारण देश में स्वस्थ जानवरों की संख्या बढ़ गई। दुग्ध उत्पादन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। वास्तव में इस क्रांति का उद्देश्य भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देशों की श्रेणी पर लाना था। और इसी प्रोग्राम ने एक समय तक दूध की कमी से जूझने वाले भारत को दुनिया में दुग्ध उत्पादन में सबसे पहला स्थान प्राप्त करवाया। दोस्तों जो अपना श्वेत क्रांति है उसको सबसे पहले वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, मतलब वही श्वेत क्रांति को भारत पर लेके आए। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की। अमूल के चेयरमैन वर्गीज कुरियन के एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पर यह ऑपरेशन फ्लड आधारित था। इस कारण इन्हें ही एनडीडीबी का चेयरमैन भी बनाया गया था। दोस्तों इन्हें ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में कई अन्य कंपनियों ने और अमूल के इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट और रिसोर्स के मैनेजमेंट के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को शुरू किया गया। कुरियन के साथ उनके मित्र एच एम डालिया ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीक के आविष्कार में योगदान दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप यह मेरा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।